हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है पप्पू। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों को सिखाओ। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड है दोस्तों, आधार कार्ड में कितने सिम कार्ड चालू है आप अपने मोबाइल से देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपके आधार कार्ड से कोई बंदा सिम यूज कर रहा है तो आप अपने घर बैठे मोबाइल से इसको ब्लॉक कर सकते हो सिम को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कैसे देखना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। अगर आपका क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हो। तो सबसे आपको लिखना होगा टैप, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टैप सी ओ पी, ठीक है, टैप सी ओ पी लिखना होगा आपको, सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक गवर्नमेंट ऑफ साइड है दोस्तों, बहुत ही मतलब सिक्योरिटी ऑफ साइड है, तो यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप कॉप पोर्टल का ऑफसाइड है गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। चलिए एक मेरा मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी में सेंड करना होगा आपको। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना होगा। चलिए मेरा एक मोबाइल में ओटीपी आ गया, इसको ओटीपी को सबमिट करता हूँ। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिड का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा आधार कार्ड से यहाँ पे चार नंबर शो हो रहा है, ठीक है। मेरा आधार कार्ड से चार सिम कार्ड चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक सिम कार्ड है, ये भी मेरा नंबर है दोस्तों, एक सिम कार्ड है, ये भी एक मेरा नंबर है, और ये जो एक सिम कार्ड है दोस्तों ये भी मेरा नंबर है, और लास्ट वाला देख सकते दोस्तों ये मेरा नंबर नहीं है, लेकिन मेरा आधार कार्ड से ये सिम यूज कर रहा है कोई बंदा। तो आपको जो मेरा आधार कार्ड से नंबर कोई बंदा सिम यूज कर रहा है दोस्तों, तो आप अपना ऑनलाइन पर, ठीक है, तो ऑनलाइन में आप इसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको प्रोसेसिंग भी बताऊंगा आपको ब्लॉक कैसे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार शो हो रहा है हमारे आधार कार्ड में, तो यहाँ पर जो लास्ट में फोर डिजिटल है और फर्स्ट में टू डिजिटल है उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन सिम कार्ड मेरा ही है, लेकिन चौथा नंबर जो मेरा सिम कार्ड नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा आधार कार्ड से चल रहा है, ठीक है। अगर वही बंदा कोई अनलीगल काम करता है तो, लेकिन मेरा आधार कार्ड दिया है लास्ट में, मुझे फंसना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, चलिए इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक करने से आपको आपके यहाँ पर टिक चिन्ह देना होगा, ठीक है। टिक चिन्ह देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज नॉट माई नंबर, ठीक है। तो इसको एक क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए आप। रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों और एक काम करना होगा आपको, यहाँ पर नाम देना होगा, ठीक है। आपको जो आधार कार्ड में नाम है दोस्तों और नाम देना होगा। चलिए मैं जल्दी से नाम दे देता हूँ। आधार कार्ड का आपको नाम देना होगा। देने का बाद चलिए इसको टिक चिन्ह कर दिया हूँ मैं। टिक चिन्ह करने के बाद यहाँ पे जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्लिक करता हूँ मैं। रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट मेरा सबमिट हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी रिफ्रेश आईडी दिया है, और मेरा एक एसएमएस करके भी दिया। आप इसको ट्रैकिंग लगा सकते हो जो कितना दिन में बंद होगा दोस्तों, कितना स्टेटस क्या है इसका, ठीक है, ट्रैकिंग कर सकते हो। आपका एक मैसेज में भी आ गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एक मैसेज में भी आ गया है आपका ट्रैकिंग नंबर, उसको ट्रैक कर सकते हो कि सिम बंद हुआ नहीं हुआ, कितना दिन टाइम लगेगा। तो बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, जल्दी से आप भी चेक कीजिए, ठीक है, आपका आधार कार्ड से कितना सिम चल रहा है दोस्तों। अगर कोई भी सिम आपको लगता है कि मेरा आधार कार्ड से दूसरा लोग चलाते हैं, तो जल्दी से आपको सिम को ब्लॉक करना होगा दोस्तों, नहीं तो फ्यूचर में दोस्तों आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। इस सिम करने के बाद यहाँ पर जो लॉग आउट है दोस्तों, यहाँ पर लॉग आउट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए दोस्तों।